नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ अस्तर वाली चूड़ीदार पजामे कैसे बनाएं। ये 2.25 मीटर कपड़ा है, ये मैंने फोल्ड कर लिया था और ये समोसे की तरह मोड़ लिया है। जैसे हम समोसे को फोल्ड करते हैं, ऐसे ही मैंने इसको फोल्ड किया कपड़े को। इसमें नीचे जोड़ नहीं आएगा कहीं भी, इसमें ऊपर ही रहेगा जोड़। ये नीचे से फोल्ड किया है, ये किया है 7 इंच तक ही फोल्ड किया है मैंने, और ये 7 इंच का निशान लगाया है इधर। ये 15 का जो निशान लगाया था उसको शेप ले जाके पजामे की, और ये कटिंग कर रही हूँ अब। ये जो साइड से कपड़ा बचा है इसमें से ये 2 भाग ले लिए हैं मैंने, इसको इधर जोड़ेंगे। ये जोड़ते समय बता दूंगी मैं आपको। और ये बेल्ट काट रही हूँ अब, ये 7 इंच की लंबी ली है और ये 26 इंच की चौड़ी लूँगी मैं बेल्ट। ये बेल्ट काट दी है, अब ये अस्तर काट रही हूँ। अस्तर को भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। अस्तर है हमारा 2 मीटर। चूड़ीदार पजामे हम 2 मीटर कपड़े में आसानी से बना सकते हैं। और ये तरीका जो है, ये पजामे बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसमें नीचे जोड़ वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये पूरी नहीं दिख रही, कैमरा पूरे नहीं जा रहा। ये ऊपर से पजामे की शेप कर ली है मैंने, ये यहाँ से। अब ये मैं आपको जोड़ना बता रही हूँ, जो साइड से कपड़ा बचा था उसको अब मैं कैसे जोड़ूँगी ये देखना। ये ऐसे रख के ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये इसको ऐसे ही इस साइड मोड़ लेना है, ऐसे। ये ऐसे मशीन लगा दी, ये सिल दिया है। ऐसे ही दूसरी टांग को भी सिल लेना है इसको। ऐसे ही इसको सिल लेंगे इधर से। इसको भी साइड सिल देंगे अब, ये उतारनी नहीं है मशीन। ये देखिए पूरा आया है, ये सिल दिया है। इसको अब ऐसे करेंगे तो ये आराम से, देखिए अच्छे से हो गया है। अब मैं इसको टेबल पे बिछा के और तब काट के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए इसमें झोल वगैरह कुछ भी नहीं है, आराम से बिछा दिया मैंने इसको। ऐसे ही मैंने अस्तर वाले कपड़े को भी ऐसे ही जोड़ लिया था, ऊपर जो ये कपड़ा जोड़ना था। ये 4 भाग बिछा दिए हैं, ये दोनों अस्तर वाले हैं ऊपर। और यहाँ से मैं ले रही हूँ 10 इंच का आसन, और ये बराबर में लिया है मैंने 14 इंच। अगर और ज़्यादा मोटी है तो हम 15 भी ले सकते हैं, अगर पतली है तो हम 13 इंच भी चलेगा।
इसको काट देना है। अब ये पजामी बहुत जल्दी सिलती है, 15 मिनट में पजामी तैयार है। अब ये यहाँ से ज्वाइंट है इसको अलग कर देना। अब मैं ये जो अस्तर है और ये पजामी वाला कपड़ा है इसको यहाँ से सिल लेती हूँ, ऊपर से बेल्ट गिरने में आसानी होगी। ये मोटा बखिया लगा लेना है। ये मैंने बेल्ट तैयार कर ली है। ये देखिए, अब इसको आसन मिला के और तब हमने प्लेट डालनी है। ये प्लेट हमारी 4-5 ही डलेंगी। इसमें ज़्यादा प्लेट नहीं डलेंगी, 5-6 ही प्लेट डलेंगी छोटी छोटी। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगती हैं। वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के पास, और बेल आइकन का बटन दबा दिया करो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी आ जाए। ये एक एक प्लेट पीछे डाली हैं। अब ये उस प्लेट का रुख उस साइड किया था मैंने, इसका दूसरी साइड कर रही हूँ। जैसे हम सलवार में प्लेट डालते हैं ऐसे ही इसमें डालनी होती हैं। ये हमारी बेल्ट डल के तैयार हो गई। अब यहाँ से मशीन लगा रही हूँ, बारीक मशीन है ये। अब ये नीचे की मोरी के लिए मोड़ रही हूँ मैं, ये अस्तर वाला कपड़ा मोड़ रही हूँ। अस्तर वाला कपड़ा उसके साथ नहीं अटैच करूँगी मैं नीचे से, अब जो लंबी मशीन लगाऊँगी उसके साथ ही अटैच करूँगी। ये अच्छे से होगी है। अब ये यहाँ से आसन पे मशीन रख के तब मैं मशीन लगाऊंगी, जो अस्तर है हमारा वो ऊपर नीचे ना हो। इस वजह से मैं नीचे से ऊपर तक नहीं ले रही, ऊपर से नीचे लेके आ रही हूँ। ये आगे से मोरी रखी है मैंने 5.5 इंच। ये देखिए अस्तर हमारा इतना ऊपर है, ये आपको दिख रहा होगा आसानी से। ये धीरे धीरे करते ऊपर तक। ये देखिए पजामी सिल दी है मैंने। अब नीचे से फोल्ड नहीं किया है, नीचे से फोल्ड अप की करनी है मैंने। ये देखिए ऊपर से अच्छे से होगी है। अब ये देखिए नीचे से फोल्ड अप कर रही हूँ। इस कपड़े को खींचना नहीं है, किसी भी ऊपर वाले कपड़े को भी और नीचे वाले को भी हम आराम से नॉर्मल होके इसको सिलेंगे तो इसमें झोल वगैरह कुछ नहीं आएगा।
ये देखिए इसमें झोल बिल्कुल नहीं आ रहा, ये कितनी सफाई से मुड़ रही है। ये देखना इसमें कोई झोल कुछ नहीं है। ये पजामी तैयार हो गई हमारी, इसमें झोल वगैरह कुछ नहीं आया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।